हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्रेड और आलू से बहुत ही टेस्टी, क्रंची और बहुत ही खस्ता नाश्ता, जो आप एक बार बनाएंगे तो दोबारा ज़रूर बनाएंगे। देख सकते हैं आप कितना टेस्टी है ये, टमाटर सॉस के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसके लिए हमने ये बॉईल किए हुए आलू लिए हैं, कुछ हरे मटर, एक कटी बारीक कटी हुई प्याज, 4-5 हरी मिर्च, कुछ धनिया की पत्ती, 1/2 टीस्पून गर्म मसाला, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और नमक अपने स्वाद अनुसार, और 1/2 टीस्पून हमने इसमें ऑयल घेरा है ताकि ये सॉफ्ट बने। और अच्छे से बस हाथों की मदद से हम इसे मिला लेते हैं। सारे मसाले को बढ़िया से हमें मिलाना है ताकि बढ़िया से हम इसकी गोलियां बना के तैयार कर सकें। देखिए मसाला तैयार हो गया है, दोनों हाथों में हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और इसके गोल गोल लड्डू की तरह हमें इसको बना लेना है। तो देख सकते हैं आप फ्रेंड, हमें इसी तरीके से ये बनाना है। तो ये बना के हमने रख लिए हैं। अब ये हमने ले थोड़ा सा घोल बनाने के लिए हमने बेसन ले लिया है और इसे हमें पतला सा एक घोल बना के तैयार करना है। हमें ज़्यादा थिक घोल नहीं बनाना है, इसका पतला घोल बनाना है। तो देख सकते हैं इसके इसी तरीके से हमें घोल बनाना है। बस हमने ये लड्डू इसमें भिगोए हैं और ये हमने ब्रेड को मिक्सी जार में पीस लिया था, अब इसको ऊपर से लगा लेना है ब्रेड को अच्छे से। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मुझे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ऑयल हमने धीमी आंच पे गरम कर लिया है, ज़्यादा ऑयल गरम ना रहे एक चीज़ का ध्यान रखें। एक एक करके सारी बॉल हम इसमें घेर देते हैं और धीमी आँच पर हमें ये फ्राई करनी है। तो उलटते पलटते हम धीमी आँच पर इसे 2 से 3 मिनट हमें फ्राई करना है। देखिए सिक्के तैयार हैं, आप इन्हें चटनी या तो चाय या टमाटर सॉस किसी से भी खाइए, बहुत